सो है गाइस, फिर से स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है, वो काम नहीं कर रही है, बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आज के इस वीडियो में यही जानकारी देने वाला हूँ। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो है गाइस, मैं हूँ दिनेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए। सो गाइज, अगर आपका फ़ोन चलते ही उसकी स्क्रीन ऑफ हो चुकी, बिल्कुल ब्लैक हो चुकी, या फिर आपकी फ़ोन की स्क्रीन वर्क नहीं कर रही, बिल्कुल इस फोन की तरह बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रही है, यानी कुछ भी उस पर काम नहीं हो रहा, ना ही आप पर कुछ दिखाई दे रहा है, आप अगर आपका फ़ोन नीचे गिर गया है तो शायद हो सकता है कि नीचे गिरने की वजह से हो गया हो। लेकिन अगर आपका फ़ोन नीचे भी नहीं गिरा है, पानी में भी नहीं गिरा है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ही ऑटोमेटिकली उसकी स्क्रीन ऑफ हो गई है, आपने सारे प्रयास कर लिए लेकिन वो ऑन नहीं हो रही, अगर आप कस्टमर केयर पर जाओगे या फिर किसी शॉप पर जाओगे तो वो ये कहेंगे आपकी स्क्रीन ख़राब हो गई, उसे चेंज कराना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आपको, अगर आपके फ़ोन में होम बटन नहीं है, जो कि आजकल के सभी फ़ोनों में होता है कि यहाँ पर होम बटन नहीं होता है, जैसे कि पुराने सैमसंग के फ़ोन में आता था यहाँ पर होम बटन, इस प्रकार का आज के फ़ोनों में नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपके फ़ोन में होम बटन नहीं है तो आपको क्या करना होगा। तो आपको सीधा सबसे पहले तो जो आपका पावर बटन है उसे प्रेस करना है, और साथ में जो वॉल्यूम डाउन का बटन है, ये आप देखिए, ये वॉल्यूम डाउन का बटन है और ये जो पावर बटन है, इन दोनों बटन को एक साथ में लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि इसे दबाया और थोड़ी देर बाद इसे दबाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोनों को एक साथ में एक ही समय पर दोनों को दबा के रखना है, कुछ समय तक, 10 सेकंड तक आप इसे लगातार दबा के रखिए, हो सकता है इसे कुछ ज़्यादा समय भी लग जाए, अलग अलग फ़ोनों में अलग अलग टाइम लगता है। तो यार, इन दोनों बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके रखिए, उसके बाद आपके फ़ोन में कुछ डिस्प्ले होगा। हालांकि ये मेरा फ़ोन चल रहा है, लेकिन ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इन दोनों बटनों को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके रखिए, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ डिस्प्ले होगा कि आपको कुछ दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करके अपने फ़ोन को चालू कर सकते हैं, आपकी फ़ोन की स्क्रीन वर्क करने लग जाएगी। अगर आपकी फ़ोन की स्क्रीन वर्क नहीं कर रही है तो आप नीचे कमेंट में बताइए, मैं आपको और ज़्यादा हेल्प करूँगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। हालांकि मेरा फ़ोन अभी ऑन है इसलिए मैं आपको ये करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा, आपका फ़ोन चल जाएगा। लेकिन अगर आपका फ़ोन कहीं गिर चुका है, गिरने की वजह से उसकी स्क्रीन ऑफ हो चुकी है या फिर वो ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो आपको ज़रूर किसी कस्टमर केयर या फिर किसी शॉप पर जाके दिखाना होगा। तो हे गाइस, अगर ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।